हेलो दोस्तों, ये 2020-2021 के कोरोना महामारी के दौर में महामारी से बचने के लिए किए गए लॉकडाउन की वजह से कई लोगों की नौकरी छूट गए और नई कोई नौकरी भी नहीं मिल रही है। छोटे व्यापारियों की भी यही परिस्थिति है। व्यापार बंद है, ग्राहक अब कहीं और से माल खरीद रहे हैं और पुराना बकाया पेमेंट भी नहीं आ रहा। ये सब कुछ बंद है, लेकिन दैनिक जरूरतें तो लागू ही है। कितनी चीजों में कटौती करे पर ये शरीर को भूख तो लगती है, खाना चाहिए। कपड़े जो है वो ही चला लिए, नए कपड़े की जरूरत नहीं। घर मकान का मेंटेनेंस, बिजली का बिल, फोन का बिल, टीवी का बिल, घरेलू गैस और सबसे जरूरी बच्चों की स्कूल की फीस और ऑनलाइन स्कूल का खर्चा। और अगर आमदनी ना हो तो ये सब कैसे होगा? और ऐसे में मध्यम वर्गीय लोग किसी से मांगने में भी हिचकिचाते हैं, तो करना क्या? कई संस्था या नेतागण कुछ मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो सब जाहिर में अपनी प्रशंसा कराके और लोगों को कतार में खड़े करके यथाशक्ति दान पुण्य कर रहे हैं, लेकिन कई लोग जो स्वाभिमानी होते हैं वो इन कतारों में खड़े नहीं रह सकते। शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे, मरी ये दशा हो गई है, भिखारियों की तरह कतार में खड़े होकर लेना पड़ रहा है, इसलिए वे मिल रहे मदद से भी वंचित रह जाते हैं। कई लोगों को हमने गुप्त दान करते हुए भी देखा है, धन्य है वे लोग। कई लोगों ने हमारे अखबार PNR न्यूज में फोन करके मदद मांगी है, लेकिन कहते हैं हम जाहिर में नहीं लेना चाहते, हमारा नाम किसी को मत बताना। मैं नितिन मणियार हमारे पाठकों एवं दानवीरों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप गुप्त दान करके किसी की मदद करना चाहते हैं तो मेरा अवश्य संपर्क करें। आज मेरे पास आए हुए याचकों को आप सिर्फ बच्चों की स्कूल फीस की ही मदद कर दे, या मैं तो ये कहूँगा एक एक दानवीर एक एक बच्चे की पाई की जिम्मेदारी उठा ले तो से समस्या खत्म हो जाएगी। आप आपके आसपास रहने वाले बच्चों की भी मदद कर दी तो मेरा ये प्रयास सफल हो जाएगा और उन बच्चों एवं बच्चों के परिवार की दुआ भी मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय मानवता, धर्म।